पर दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक और पोकेमोन यूनाइट की फ्रेश एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के वीडियो बेसिकली यहाँ पे जो एक गेम प्ले वीडियो बेसिकली होने वाली है, यहाँ पे वॉइस कैम्स वगैरह, फनी वॉइस कमेंट्री वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर कोई आपको बेसिकली मैं पोकेमोन का या फिर बोल सकते हो कोई गाइड वगैरह नहीं बताने वाला। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको ज़ेरा और का फुल यहाँ पे जो गाइड दिया था, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी जाके तो आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप मेरे चैनल पर विजिट कर भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज की बेसिकली यहाँ पे जो टाइम से जो आज की डेट से बेसिकली यहाँ पे जो मैंने रैंक मैचेस जो खेलना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, कल परसों से, बट मैं आज से यहाँ पे जो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने बिगनर क्लास वन से ऑब्वियसली बात है मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने उसके कुछ एक दो गेम प्ले यहाँ पे रिकॉर्ड किए, प्लस बिगनर क्लास टू वगैरह के भी कर रखे हैं। अभी फिलहाल मैं बिगनर क्लास थ्री पे यहाँ पे जो ऑलरेडी पहुंचा हूँ, मैं बहुत कम खेलता हूँ बट फिर भी एक दो मैचेस के अंदर ऑब्वियसली बात है आपको पता ना मैं प्रो हूं तो मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बिगनर क्लास थ्री पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो पहुंचा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर आपको फुल गेम प्ले आपको देखने को मिलने वाला है और लुकैरियो। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट कवर करूंगा हर एक पोकेमोन को लाने के लिए, बट मेरा लुकैरियो पर्सनल फेवरेट है। आपको हर एक गेम प्ले के अंदर मेरे को मोस्टली पे को पता है मैं लुकैरियो लेकर ही खेलने वाला हूँ, क्योंकि लुकैरियो आपको पता है तबाही मचा देता है। मतलब जो उसके बोन रश है, स्पीड, मतलब सब कुछ आपको पता है उसका क्या बेसिकली बूस्टअप है, क्या उसकी एबिलिटीज है, ठीक है, कैसा उसका क्लोज कॉम्बैट है, ऑब्वियसली होता है स्पीडस्टर है, ठीक है, और मेले टकर है, तो आपको पता है क्लोज रेंज में वो कैसे आपको पता है पटक नहीं देता है। तो बस मैं लुकैरियो से इतना भाई मचाने वाला और अच्छा खासा मैंने यहाँ पे स्कोर किया है। ऐसा नहीं कि MVP बनूँ तभी मैं गेम प्ले डाल रहा हूँ, जिसमें मैं MVP नहीं भी बनाऊंगा, बट हाँ जिसको पता है जिस गेम के अंदर मैंने डोमिनेट किया वो भी आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बढ़ाई या फिर MVP वाले मैचेस नहीं डालूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली पता है रैंक्ड मैचेस है, मेरे को रैंक भी पुश करनी है, तो मेरे को जीतने पर ज़्यादा कहते हैं मैं कंसंट्रेट हूँ रैदर देन कि मैं MVP बनूँ या फिर अगर MVP नहीं बनता तो मैं गुस्सा आ जाऊँ। ठीक है, मेरी टीम जीतेगी तो ऑब्वियसली पता है मेरे को भी यहाँ पे प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको यहाँ पे जो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे गेम प्ले से रिलेटेड बेसिकली कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा रेगुलरली। ठीक है, और जो फटाफट से गेम प्ले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या बेसिकली मैंने यहाँ पे जो गेम खेला और कैसे आपको बेसिकली यहाँ पे फनी मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे फुल गेम के अंदर। तो फटाफट से गेम प्ले के ऊपर जो जंप करते हैं, तो बेसिकली अब आपको बेसिकली गेम प्ले वाली स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सिंपल से मैं यूनाइट बटन पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आपको प्रूफ किस तरह आपको दिखाता हूँ कि मैं बिगनर क्लास वन ही खेल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था रैंक मैचेस खेलना, तो आपको बेसिकली हर एक अब मेरी वीडियोज़ के अंदर जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो मैच मेकिंग आपको देखने को मिल रही है बिगनर क्लास टू, बिगनर क्लास थ्री, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया हर एक बेसिकली यहाँ पे जो लेवल का, तो ऑब्वियसली बात मैं डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है, और अभी फिलहाल मैं रैंक पुश कर रहा हूँ, अगर आपको भी मेरे साथ रैंक पुश वगैरह करनी है, मेरी पोकेमोन ID यहाँ पे ट्रेनर की ID जो है मेंशन है, ID पे रिक्वेस्ट भेजकर मेरे साथ आप खेल भी सकते हो। और मैं यहाँ पे जो रात को खेलता हूँ मोस्टली, ठीक है, तो यहाँ पर रैंक पुश भी मैं मोस्टली यहाँ पे जो रात को करता हूँ, मैंने परसों से ही स्टार्ट किया, कल परसों से मैंने स्टार्ट किया और गेम प्ले भी मैंने कल रात को ही रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने जैसे कि अब दिखो मैंने लुकैरियो ले लिया, क्योंकि यार लुकैरियो आपको पता है कैसा मतलब पोकेमोन तबाही मचा देता है। ठीक है, सिंपल से मैंने लुकैरियो ले लिया। अभी जो भी सारा पार्ट है ना यहाँ पे वर्सेस वाला या फिर जो ये वाला पार्ट है, मैं सारे इसको स्किप करता हूँ, डायरेक्ट अपन चलते हैं जंगल के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट अपन बैटल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारा मैच है वो यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। अपन यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, अपने वही पुराने वाले टेक्निक फॉलो करेंगे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो सिंपल अपना मीटर मैच लेंगे और यहाँ पे सेंटर वाले बेसिकली यहाँ पे जो मंकी को मारने जाएंगे। अपने को लेना देना ही नहीं है टॉप वाले को मारने का और बॉटम वाले को मारने का, क्यों? क्योंकि वो हमारे टॉप लेनर्स के लिए और बॉटम लेनर्स के लिए है। सिंपल से मेरी ये टिक रहती है, मैं इस वाले मंकी को मारूँ, जैसे मैं इस मंकी को मारता हूँ तो यहाँ पे जो लुडिकोलो यहाँ पे स्पॉन होता है, जिससे कि मैं मारने के बाद मेरा लेवल अप हो जाता है। मेरी ये टेक्निक रहती है कि मैं स्टार्टिंग में पहले मैं फाइट नहीं लेता, और ऑब्वियसली बात आप भी ये करते होगे, पहले मैं यहाँ पे लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ अपने यहाँ पे जो लुकैरियो का, अपना लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 तक करने की कोशिश करता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि मेरे पे अच्छे खासे ऐसे मूव्स हो जाए, मेरे पास बोनरस वगैरह सब कुछ है मेरा अनलॉक हो जाए, और फिर यहाँ से पटाक से जो मैं सामने वाले को पोकेमोन्स को जो पटक नहीं दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे से देखो यहाँ पे ये वाला पोकेमोन जो बंदा है मेरे साथ चेप हो रहा था, देखो मैं पे लुडिकोलो को मार रहा है, वो मेरे साथ आ गया, बफलैंड को भी मेरे साथ यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे जो मारना शुरू कर दिया, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से मैंने यहाँ पे इस क्रैप को भी मार दिया और मेरे यहाँ पे जो फिलहाल जो लेवल 4 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना बेसिकली यहाँ पे लेवल 5 करूँ, फिर यहाँ पे जाके फाइट लूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नीचे यहाँ पे जो NPC दिखा, यहाँ पे मंकी बोल सकते हो दिखा, तो मैंने इसको मारना यहाँ पे जो पहले प्रेफर किया रैदर देन कि मैं फाइट के अंदर जाऊँ। ठीक है, तो मैं सिंपल्स मैंने यहाँ पे NPC को मार दिया वाले बेसिकली जो मंकी को मैंने जो मार दिया ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मैं लेवल 5 हो गया। और जैसे मैं लेवल 5 हुआ, मेरा फेवरेट यहाँ पे जो पावर पंच बेसिको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, पावर पंच मिलने के बाद में यहाँ पे सिंपल से मेरे को क्रैब भी मिल गया था NPC, मैंने उसको मारना यहाँ पे जो वापस से प्रेफर किया। देखो, आपको कुछ ना मिले ना करने को गेम के अंदर, तो सिंपल से कुछ मत करो, इन NPCs को मारना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया कि चल मैं एक आधा पोकेमोन को यहाँ पे जो गिराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरा लेवल 5 हो गया था। ठीक है, मैं सिंड्रेस के पास गया, बट मैं जैसे ही इस सिंड्रेस के पास गया तो मैंने देखा ये तो अपने शेल के अंदर चले गया और यहाँ पे वेनासुर भी आ गया, तो मैंने बोला कट लो भाई,
मैं कोई मरने की जरूरत नहीं है, 17 पॉइंट्स मेरे वेस्ट हो जाएंगे, प्लस लेवल 5 है, मैं स्टार्टिंग में नहीं मरना चाहता। तो सिंपल से मैंने वहाँ पे यूटर्न लिया, और फायदा ये है कि कभी कभी आप पैसिव हो जाओ, बट फिर भी ये कुत्ता वेनोसर मेरे पीछे पड़ रहा। मैं फिर से अपने शेल में चले गया, मैंने बोला अब आ जा भाई तू, अब आके दिखा। मैंने ऐसे बैरी वेरी सब यहाँ पे ठूस लिया, मेरा यहाँ पे जो एनर्जी भी फुल हो गई है। अब मैंने देखा कि मेरा ये वेनोसर बेसिकली सामने वाले वेनोसर से फाइट ले रहा है, फिर मैं घुसा और यहाँ पे मैंने KO लुकेरो से मारा एक। अभी मैं देखा इसको भी यहाँ पे पटैक से यहाँ पे जो स्पीड रन यहाँ पे जो पावर अप पंच पड़ने वाला है, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो दूसरा भी यहाँ पे मैंने स्कोर कर दिया सीधा 2, बेसिकली 2 की स्टिक्स बनाई, और यहाँ पे इस मॉन्की को भी मैंने क्लियर कर दिया। और फिर मैंने सोचा अब यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे इजीली जाके तो 26 पॉइंट्स का यहाँ पे जो स्कोर हम कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना मैं फिर से बोल दूँ, मैं इस मैच के अंदर MVP नहीं बना था, बट फिर भी मेरे को ये मैच डोमिनेट लगा, मेरा अच्छा खासा मैंने इसके अंदर स्कोर किया था, इसलिए मैं यहाँ पे जो इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा ड्रेडनो का भी टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो फटाफट से क्या करते हैं अपना जाके लेवल अपग्रेड कर लेते हैं। कुछ है तो नहीं करने को, सिंपल से NPCs को ही मारते हैं, गुस्सा आप इतनी नहीं कर सकते, अभी लेवल 6 या यहाँ पे लेवल 7 हो गया तो उसको मारते ही। ठीक है, मैंने सोचा यार अच्छा खासा लेवल करते हैं, फिर अपन फाइट के अंदर जाएंगे। ऑब्वियसली प्रो तो हम है ही, हमारे कोई मार तो सकता नहीं, लुकेरियो हमने ले रखा है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बेसिकली पोकेमॉन है, तो ऑब्वियसली बात है अपन मार ही देंगे सबको। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे पोकेमॉन इतना शातिर है, ये वाला जो सामने वाला, मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा था और भूल गया था कौन सा पोकेमॉन था, ये जाके बुश में छुप गया, मेरे को लगा ये चला गया, बट जैसे बुश के ऊपर जाऊँगा तो ये देखना मेरे को कैसे मारेगा। अभी ये देखो यहाँ पे भाई साहब छुपे हुए हैं, सिंड्रेस आई थी, हाँ ये छुपे हुए भाई साहब, और यहाँ पे मेरे को जो चार्जर भी मारने के लिए आ गए, बट फिर भी तुम्हारे भाई के पास था बोनरस, देखना कैसे इनको जो बोनरस प्लस पावर पंच का कैसे पटाखे पड़ेंगे। और मैंने घुस के मारा है इसके शेल के आसपास मारा जाके, और यहाँ पे फटाफट से स्कोर कर दिया पीछे, क्योंकि मेरे को ऊपर दिख गया वेनोसर भाई सब्जी आ रहे हैं, मैंने कहा भाग लो कट लो, हेल्थ है नहीं उनके शेल में, मैं पिटूंगा ही पिटूंगा, उनकी हेल्थ गेन होती रहेगी और मैं ऐसे मार खाता रहूँगा। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना नीचे आ गया, यहाँ पे जो आप फटाफट से जो ड्रेडनो को मारते हैं, और मेरे इतने टीममेट नल्ले हैं, कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा कि ड्रेडनो को मारते हैं, चलो शील्ड मिलेगी थोड़ा पे वो मिलेगा मूवमेंट, बट कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अपना कल्ला इसलिए ड्रेडनो को मारने में लगा हूँ और मारूंगा भी कल्ला ही। ठीक है, जिससे कि हमारे को थोड़ा एडवांटेज हो जाएगी, थोड़ा शील्ड वगैरह मिल जाएगी, फिर अपन स्कोर करेंगे, बट कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, इतने मेरे टीममेट नल ले। यहाँ पे देखो मैं ड्रेडनो को ऑलमोस्ट मैंने कल्ला खत्म करा, और मेरा यहाँ पे जो यूनाइट मूव खुल चुका था। ठीक है, अब उसके बाद यूनाइट मूव खुलने के बाद मेरे पास शील्ड भी थी, तो मैंने क्यों ना चलो स्कोर करके आता, 27 में बस पॉइंट्स है, अगर एक आधा पॉकीमॉन बीच में दिख गया तो उसको धो देंगे, शील्ड तो अपने पास है ही, पर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है मेरे यहाँ पे जो पॉकीमॉन जो लड़ रहा था मेरे आगे वाला, उसने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया था, तो मैंने कहा चलो 27 पॉइंट्स है यार, वेस्ट ना हो जाए इनको, पहले यहाँ पे जो स्कोर करके आ जाते हैं। तो बराबर से पहले मैंने कुछ नहीं किया, 27 पॉइंट्स यहाँ पे जो इजिली मैंने स्कोर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरी यूनाइट मूव वेस्ट हो गई, मेरे टीममेट्स ने ऑलरेडी यहाँ पे जो वेनासुर ने यहाँ पे जो सिंड्रस को आई थिंक मार दिया, और मेरी यहाँ पे जो यूनाइट मूव वेस्ट हो गई। मेरे को बड़ा गुस्सा आया इस पॉइंट पर, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, मेरे टीममेट है वो भी खेल नहीं आए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से मेरे को गुस्सा निकालना था अपनी यूनाइट मूव का, तो यहाँ पे मैं मंकी के ऊपर चढ़ गया, NPC के ऊपर चढ़ गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं लेवल भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भाई साहब को देखो, सिंड्रस भाई साहब आई हुई है वेनासुर और लुकेरियो के बीच में, लेवल कुछ है नहीं, अपने से एक लेवल कम है, बट फिर भी फाइट लेनी है मैम को, कोई दिक्कत नहीं, हमने उनको भी मार दिया। मारने के बाद यहाँ पे जो मेरे को भाई साहब लूडिकोला मिल गए, मैंने कहा चलो आपको ही मार लेते हैं, थोड़ी लेवल भी हमारा बढ़ जाएगा, हमारे को अच्छे खासे यू नो अटैक पॉइंट्स वगैरह डैमेज हिट्स वगैरह सब कुछ अपने को मिल जाएगा, मूवमेंट स्पीड सब कुछ अपने को मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो मेरा लेवल 11 तो हो चुका है, 16 पॉइंट्स हैं, ये भी वेस्ट ना हो, इनको भी स्कोर करते हैं। देखो मेरे को ना आधे अधूरे पॉइंट स्कोर करना पसंद नहीं है, 30-50 ऐसे मेरे को स्कोर करना पसंद है, बट कोई नहीं, मैंने कहा वेस्ट होने से अच्छा है अभी कोई दिख नहीं रहा तो स्कोर कर देते हैं, क्या पता है 16 पॉइंट्स मेरे को नसीब ना हो करने को। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे जो लेवल 11 हो चुका था, मैंने देखा कोई नीचे है नहीं, नीचे मैंने बहुत डोमिनेट कर लिया, मैंने बहुत पोकेमॉन्स को मार लिया, मैंने बहुत स्कोर कर लिया। ठीक है, दो शेल भी उनके तोड़ दिए ऑलमोस्ट, टूट गया ऑलमोस्ट क्या, तो मैं ऊपर चला गया मारने के लिए, मैंने कहा चलो ऊपर मेरे टीममेट को जरूरत है मैं ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे देखा, यहाँ तो भाई 12 भाव की बसर चल रही थी, चौरी जॉर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो मारे जा रहे थे, तो सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जब तक मैं मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे चारिज़ार्ड और यहाँ पे क्रसल भाई ने सबको यहाँ पे धो दिया। ठीक है, सब यहाँ क्रसल ने सॉरी कोई पोकेमॉन है वहाँ पे धो दिया, और यहाँ पे भाई साहब जी ग्रीन निंजा आ गए बीच में, मैंने कहा अभी तुम्हारे को बता दो, घुस के मार खाया मैं ग्रीन निंजा को घुस के। ठीक है, देखो घुस के मार खाया ग्रीन निंजा को, सिंपल से मैं मार के अपने यहाँ पे जो है बेस में अपने ऑलरेडी मैं पीछे चला गया, मैंने कहा चलो स्कोर करते हैं, 18 पॉइंट्स मेरे पास हैं, स्कोर करके अपना लेवल बढ़ जाएगा, लेवल 12 हो जाएगा और अपन पीछे जाते हैं एनर्जी लेके आते हैं। ठीक है, बट मैंने कहा चलो एनर्जी क्या है लेंगे, रोटम दिख गया, मैंने कहा चलो चारिज़ार्ड उसको मार रहा है रोटम को, तो अपन भी थोड़ा गंगा में हाथ धो देते हैं, अपन भी रोटम को मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे रोटम को मैंने जैसे ही मारा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो लेवल 13 होने वाला था, यहाँ पे भाई साहब जी नीचे अपने को दिख गए, क्या दिखे यहाँ पे अपने भाई साहब जी, यहाँ पे पोकेमॉन्स दिखे ग्रीन निंजा वगैरह। फिर यहाँ पे देखना कितना बड़ा यहाँ पे जो स्कैम होने वाला है, मैं यहाँ पे स्कोर करने गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको तो मैं मार दूंगा, घुस के मार के आया था मैं ग्रीन निंजा को, तो ठीक है देखो ग्रीन निंजा को मैं घुस के मार के आया था, बट
अब यहाँ पे देखना, मैं स्कोर करने लग रहा था, मेरा स्कोर ही नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे जो पॉइंट्स है 26 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे जो क्लेम हो जाए, मैंने कहा चल बाकी मेरे टीममेट्स मार रहे हैं, बाकी पोकेमॉन्स मार रहे हैं, मैं स्कोर कर देता हूँ, बट स्कोर करने को ही नहीं मिला। एट द लास्ट मेरे को वेनेसोर ने मार दिया और मेरे 26 से 27 पॉइंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 पॉइंट्स तक हो गए थे और यहाँ पे सारे वेस्ट हो गए, मेरे को मार दिया गया। मेरे को लगा चल ऑब्वियसली सारे लड़ रहे हैं, मैं स्कोर कर देता हूँ, मेरे को पॉइंट्स मिल जाएंगे, एमवीपी बन जाऊंगा, बट नहीं, सब ने मेरे को मिलके मार दिया और मेरे पॉइंट जो यहाँ पे जो वेस्ट हो गए, ठीक है, 25 पॉइंट्स मेरे माइनस हो गए, ठीक है। तो अपन फिर से यहाँ से बेसिकली जो यहाँ पे जो है वो हो गए, रिस्पॉन हो गए और यहाँ से उड़ते हुए, ठीक है, स्प्रिंग ट्रैप के ऊपर से उड़ते हुए टॉप लेन में। अपने को बॉटम से कोई लेना देना ही नहीं था क्योंकि बॉटम अपन फुल डोमिनेट करके आ चुके थे। तो यहाँ पे मेरे को दिखा जाते जाते, मैंने कहा चल एक एनपीसी दिख रहा है लेवल 13 है, इसको मार देता हूँ, ऑलमोस्ट 14 भी हो जाएगा और अच्छा खासा यू नो बूस्ट मिल जाएगा अपने पॉकीमोन को, अच्छा खासा यू नो डैमेज पॉइंट वगैरह, हिट पॉइंट वगैरह, एकदम बीस्ट हो जाएगा अपना लोकैरियो, ऑलरेडी बीस्ट है बट और बीस्ट हो जाएगा, ठीक है। लोकैरियो देखो मेरे को इतना परफेक्ट लगता है ना खेलने के लिए, यहाँ पे दोस्तों को यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पावर पंच प्लस भी निकल चुका था, जैसे ही बेसिकली मैंने पावर पंच किया तो यहाँ पे मेरे को इतनी सारी भसड़ दिखी पॉकीमोन्स की, बट फिर भी यहाँ पे मैंने एक पॉकीमोन को मार दिया था। अगर आप ध्यान से देखना तो मैंने एक पॉकीमोन को यहाँ पे क्लिक कर दिया था, देखो के हो गया था, सिंड्रेस को मैंने मार दिया था, बट मेरे टीममेट्स इतने नूब है, किसी ने किसी को डैमेज ही नहीं दिया, वो 4000 भाई साहब जी आए मर के चले गए। मेरे को तीन पॉकीमोन मिल के मारे, सिंड्रेस मार रही है, ग्रीन निंजा मार रहा है, बट मैंने फिर भी एक को मैंने मार दिया था और फिर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली बता ट्रेड में मर गया, ठीक है। देखो मैं कोई भगवान तो नहीं मरूंगा, नहीं बस पॉइंट्स भी नहीं थे तो मेरे को इस मरने का गम नहीं था, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, 16-17 पॉइंट्स थे, बट कोई नहीं, मैंने कहा चलो मैंने एक पॉकीमोन को यहाँ पे जो मार दिया, मेरे को दूसरे ने ट्रेड ले लिया, मेरे को लगा मेरे दूसरे भाई साहब जी को मारेंगे, बट नहीं, यहाँ पे किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रीन निंजा फुल हमारे बेस में आके स्कोर कर रहे हैं, जैसे हमारे को तो खेलना ही नहीं आता, तो मैंने देख लिया वहाँ पे स्पॉट कर लिया, सोलो थे और मेरे शेल के पास भी थे, तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ से तो बच ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट उनके हमने सारे शेल जो तोड़ दिए और अपने अच्छे खासे लीड से हम डोमिनेट कर रहे थे। तुम्हें तो पता नहीं तुम्हारा भाई कैसा एकदम प्रो है, जिस भी टीम में जाता है वैसे बात वो टीम जीत जाती है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं इग्नोर मारो उस बात को। तो यहाँ पे मेरे 50 पॉइंट से मैं शेल कोई नहीं, लास्ट वाले शेल की तरफ बढ़ते हैं, वो इजिली यहाँ पे जो स्कोर करके जो एम बी बन जाएगी। जब मैं 50 पॉइंट्स में लेके फुल अपना चौड़ में चल रहा था, उन्हें यहाँ पर मैंने 50 पॉइंट स्कोर कर भी दिए, बट फिर भी मैंने सोचा मैं एमवी बन जाऊंगा, बट नहीं बन पाया। मेरा एक टीममेट यहाँ पे जो एमवीपी ले गया, कुछ पॉइंट्स का फर्क तो था नहीं यहाँ पे किल्स के उस बेस के लिए, जो किल्स के बेस पर ले गया, बट कोई नहीं, मैंने कहा चल यार मेरा टीममेट है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को यहाँ पे एमवीपी से बढ़िया यहाँ पे जो अपने को टीम जितानी, क्योंकि अपन जो रैंक मैच वगैरह खेल रहे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट कोई नहीं, अपने को यहाँ पे कुछ नहीं, अपने को यहाँ पे लेवल 14 हो गया था, मैंने कहा चलो अपन घुस के मार के आते हैं, भाई साहब सिंड्रेस भाई को मार के आते हैं। यहाँ पे सिंगल हैंडली इसको मारने की कोशिश की, बट मेरे टीम में इतने बड़े गवार हैं, बीच में मेरा ये भी किल चोरी करने आ गए और यहाँ पे ये भी किल चोरी कर लिया इसको, वरना सिंगल हैंड यूनाइट मूव मैंने यूज़ कर दिया था, यहाँ भी मेरे यूनाइट मूव वेस्ट करवा दिया उन्होंने। मेरे को लगा ये अपना पीछे लड़ रहे हैं मैंने सुर वगैरह, मैं यहाँ पे इजीली इसको मार के इसके पॉइंट्स कलेक्ट करके स्कोर कर दूंगा, बट नहीं, यहाँ पे बीच में 6 पोने आ गए और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा मैच खत्म हो गया और लास्ट में थोड़ा फ्लेक्स वगैरह कर दिया मैंने, बस पॉइंट्स तो थे नहीं करने को, मेरे टीममेट्स करे जा रहे थे, तो मैं ऐसे ही पावर अप पंच वगैरह मारे जा रहा, बोनस मारे जा रहा, कुछ था तो नहीं, देखो ये पटाक करता हुआ बोनस और देखा कितने लीड से हम जीते, हमारा पहला मैच है ऑलमोस्ट 400 लीड से अपन पहला मैच जीते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको दिखाता हूँ मैं एमवीपी नहीं बना हूँ, यहाँ पे स्कोर देख लेना मेरा 213 बेसिकली था, सबसे हाईएस्ट मेरा स्कोर था, बट यहाँ पे देखो किल के मामले वो सबसे लास्ट वाला प्लेयर ले गया, 17 किल ले गया और मेरा असिस्ट देखो 9 असिस्ट थे मेरे, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे साथ गलत हुआ है इस गेम के अंदर, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेसिकली पिछला मैच खत्म हो गया अपने, जैसा कि हमने देख लिया होगा, हालांकि अच्छा खासा मैंने डोमिनेट किया था, 200 प्लस मैंने यहाँ पे पॉइंट स्कोर किए थे, बट फिर भी एमवीपी नहीं बन पाई, कोई नहीं, मेरा टीममेट एमवीपी बन गया, थोड़े किल्स मेरे से ज़्यादा ले गया और मेरे असिस्ट ऑब्वियसली मतलब 9-10 असिस्ट थे, अगर मेरे वो असिस्ट जहाँ पे जो किल के अंदर कन्वर्ट होता तो तुम्हारा भाई एमवीपी बनता, पता है लोकैरियो कैसा खेलता है और तुम्हारे भाई का फेवरेट लोकैरियो ही है, ठीक है, सबको फाड़ता है बीच में, ठीक है। हाँ बट कभी कोई मर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आज की वीडियो खत्म होती है, ठीक है। अब बेसिकली जाने से पहले आपको पता है वीडियो को क्या करना, लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही गेम प्ले टाइप की वीडियोस चाहते हो मेरे चैनल के ऊपर, रैंक्ड वाले मैचेस भी और ऐसे फनी टाइप के मैचेस, कमेंट्स वगैरह, कमेंट्री वगैरह मैसेज भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी यार, अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे वीडियोस की। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर अगली बार आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे सैनिटाइज, घर के अंदर रहो, चिल करो, सब कुछ मौज मौज करो और हमारी वीडियोस देखो और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखो। जो बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को भेजा कि सर पूछा गया था x2/yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।